भारत ने आयरलैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 4 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम ने सीरीज पर 2-0 के साथ कब्जा कर लिया। टीम की इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे दीपक हुड्डा। ओपनर ईशान किशन के आउट होने के बाद आए हुड्डा ने मैच में धुआंधार शतकीय पारी खेली। हुड्डा के साथ संजू सैमसन ने भी इस मैच में बेहतरीन बैटिंग की। हुड्डा और सैमसन के बीच दूसरे विकेट के लिए 176 रन की पार्टनरशिप हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। हुड्डा ने मैच के बाद एक बड़ा खुलासा भी किया। हुड्डा ने कहा कि सैमसन उनके बचपन के दोस्त हैं और इस कारण उन्हें तालमेल बनाने में बहुत आसानी हुई। दीपक हुड्डा ने मैच के बाद बात करते हुए कहा कि मुझे इस तरह से खुलकर खेलना ही पसंद है। संजू मेरे बचपन का दोस्त है, उसके साथ बल्लेबाजी करना हमेशा अच्छा रहता है। हुड्डा ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं एक अच्छे IPL से आ रहा हूं। मैंने उसी प्रदर्शन और फॉर्म को यहां भी दोहराया। मैं खुश हूं और मुझे इसी तरह से आक्रामक होकर खेलना पसंद है। इन दिनों मैं टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा हूं, इसलिए मुझे बल्लेबाजी के लिए काफी समय मिल रहा है। संजू मेरे बचपन का दोस्त है, उसके साथ बल्लेबाजी करना हमेशा अच्छा रहता है। संजू सैमसन और दीपक हुड्डा के बीच 176 रन की रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप हुई। ये पार्टनरशिप T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई है। इसके पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के डेविड मलान और जॉस बटलर के नाम था। दोनों ने मिलकर साल 2020 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 167 रन जोड़े थे। वहीं इन दोनों के बीच हुई 176 रन की पार्टनरशिप T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की तरफ से किसी भी विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा और KL राहुल के नाम था। राहुल और रोहित ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 165 रन की साझेदारी की थी। मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 13 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में टीम को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए हुड्डा ने सैमसन के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 176 रन जोड़े, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 225 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हुड्डा ने 57 गेंदों पर 104 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। वहीं सैमसन ने 42 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड ने हार नहीं मानी, लेकिन अंत में टीम इंडिया भारी पड़ी और मैच को 4 रन से अपने नाम कर लिया। आयरलैंड ने 20 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 221 रन बनाए। टीम के लिए कप्तान एंड्रयू बलबर्नी ने 60 और पॉल स्टर्लिंग ने 40 रन बनाए। शानदार प्रदर्शन के लिए दीपक हुड्डा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। मैंने हारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।